सो हाय एवरीवन, दिस इज निशा. लैंग्वेज चेंज. तुझे कैसो है, ये भी लैंग्वेज चेंज. सो हे एवरीबॉडी, दिस इज निशा और टुडे आई एम गोना शो यू कि हमारी ट्रिप कहाँ होने वाली है. और ट्रिप के साथ में हम मेरे लिए सरप्राइज भी है. आपके लिए भी सरप्राइज है? आप क्यों ऐसे सोच रहे हो? होगा सरप्राइज, सबके लिए होता है, मेरे लिए भी है. देन मैंने किया अपने मेकअप को और थोबड़े को रिपेयर करने का नया नुस्खा तैयार. मैं रेडी हो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा बमजी लग रही थी, मतलब प्यारी लग रही थी यार. उसके बाद मैंने थोबड़े को ठीक करने के लिए कोशिश की. और एक और बात बता दूँ, ये वॉइस ओवर मैं करने वाली नहीं थी, म्यूज़िक लगाने वाली थी, बट हाँ फिर भी कर दिया मैंने, कोई बात नहीं. उसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाई. वैसे सन तो था नहीं बाहर, लेकिन फिर भी सनस्क्रीन लगाई क्योंकि मुझे पता था सुबह तक पहुँचते पहुँचते धूप बहुत हो जाएगी, इसलिए मैंने सनस्क्रीन लगा ली और अपने थोड़े पे पोती. वैसे मेरे को कोई भी ऐसे आइडिया नहीं है कि वो जो तीन लेयर बना के और सनस्क्रीन को लगाते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. देन मैंने किया अपने हाथों को भी रिपेयर ही बोलूँगी, एडवर्टाइजमेंट जो कर रही हूँ भाई. फिर मैंने भाई अपने असली तरीके से सनस्क्रीन को पोता और पोता पोता पोता. उसके बाद मैंने किया अपने आप को मॉइस्चराइज, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और साफ बताऊँ ना, मैं इतनी गर्मी थी ना, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मतलब मैं कुछ भी करने वाली हूँ. बस ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई बर्फ़ डाल दे मेरे ऊपर और बहुत सारा का सारा पानी डाल दे बस. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने बाकी सारा मेकअप किया. मैंने ब्लश यूज़ किया अपने गालों को लाल करने के लिए. वैसे थोड़े थोड़े खुद ऑटोमेटिक लाल लग रहे थे, बट हाँ रात को थोड़ा कम दिखाई देगा और मुझे वीडियो शूट करना था, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया. बाकी तो कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है. और उसके बाद ब्लश लगाने के बाद मैंने किया अपने थोबड़े को और भी ज़्यादा प्यारा लगाने का तरीका इस्तेमाल, लेकिन वो भी नहीं हो पाया भाई. मैं नहीं कर पाती हूँ इतना ज़्यादा मेकअप. तो ये सब कुछ करने के बाद भी मेरे पिंपल नहीं दिख रहे. मेरे पिंपल थे सारे, कैसे दिख रहे हैं भाई? भाई मेरे पिंपल दिख रहा है लेफ्ट वाले पे. नहीं, इसको इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है. उसके बाद मेरा हो गया था लगभग मेकअप. मैं इतना ही मेकअप करती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है. अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट में एक समरी सेंड कर सकते हैं जिसमें आपने पूरा मेकअप कर रखा हो. उसके बाद मैंने के सारा का सारा रेडी होने के बाद मैं चली गई बाहर. और बाहर तो यार मेरा बिल्कुल भी मेकअप नहीं दिख रहा, मतलब वो भी उतर गया जो था. मेट्रो आ गई भैया, मेट्रो आ गई. और 11 बजे ना मेट्रो आधी से ज़्यादा खाली थी. उसके बाद हमने किया थोड़ा सा और ट्रैवल विद द ऑटो. और मुझे लोकल ऑटो बहुत ज़्यादा पसंद है और हम चांदनी चौक में घूम रहे थे हम लोग. उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई क्योंकि बस निकल चुकी थी, हम दूसरा स्टॉप पहुँचने के लिए दूसरा ऑटो ले रहे थे. उसके बाद हमने कुछ खाया टेस्टी खाना, जिसमें से मैं तो सिर्फ पनीर खा रही थी और मेरी जुगाड़ू चिकेची वहाँ पे काम आ गई, जो हमेशा की तरह कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है. और हमने कुछ खाना बाकी लोगों के लिए भी रखा था क्योंकि बाकी लोग पीछे बैठे हुए थे, तो उन लोगों के लिए भी रखा हुआ था. मैंने तो बस थोड़ा सा पनीर खाने के बाद छोड़ दिया, बाकी ये तो दिखावा है सारा का सारा. उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि भाई चले बस चले, लेकिन बस चली नहीं रही थी. और मुझे आ रही थी बहुत ज़ोर से नींद, और मेरी नींद इतनी ज़्यादा हराम खोर है ना कि खुलती नहीं है. उसके बाद हम फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे. तो डेस्टिनेशन आपको खुद पता करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बाकी वीडियो में मेंशन कर दूँगी. उसके बाद मैं उठ गई थी और उठने के बाद सुबह का व्यू ये है. ना 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 देखुड़ी पहाड़न वाली. उसके बाद भाई धूप भी निकल आई थी, मुझे पता था क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगा गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. सन लग के, ओह माय गॉड, दिस केव इज़ अमेजिंग. और ये हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी और ये गंगू माँ और ये पहाड़, हाय मेरा दिल ले जाते हैं दोनों चीज़ें. और पता है यहाँ पे ना ऐसे लोग नहा रहे थे जैसे इनको पता नहीं कौन सी बीजुरी है भाई, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से लोग नहा रहे थे. फिर हमने किया बाकी का टूर. बाकी का मतलब उस टाइम पे तो हम बहुत थके हुए थे, तो हमको जाना था अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ हमने रुकना था, इसीलिए ये है राम झूला. एवरीवन नोज दैट. इसका व्लॉग मैं आप दूसरे व्लॉग में डाल दूंगी, यहाँ के स्ट्रीट लोकल स्ट्रीट. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज निशा. सो टुडे इज अ फर्स्ट डे इन ऋषिकेश. बता दिया भाई, बता दिया. व्हाट अ व्यू वर. हम इस पहाड़ पे जा सकते हैं या फिर उस पहाड़ पे भी जा सकते हैं,
दूसरा पार्ट भी है उस साइड। भूत वाला वो कहाँ है? भूत वाला वो दिख नहीं रहा। मैं एक योगशाला खोल लेती हूँ यहीं पे, बस यही बचा है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े फैला लिए अपने, ताकि 2 दिन यहाँ पे अच्छे से स्टे हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर इज रूम फॉर टुडे। बस इतना। उसके बाद रूम में मुझसे रानी गया इसलिए मैं बाहर आ गई, और मैं बाहर आके थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने लगी और बैठ गई मैं एक जगह पे जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और ये जो व्यू था ना, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। मुझे लगता है कैमरे में उतना बेटर दिख नहीं रहा है, और मेरी देखो, मेरी शक्ल देखो, गर्मी में क्या हालत हो रखी है मेरी, बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रखी थी, और मुझे फिर भी अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम ऐसा था। उसके साथ में मेरी स्ट्रीट पे मैं ऐसी घूम रही थी पागलों की तरह, भाई को उठा लेना जाए इस लड़की को, इतनी पागलों की तरह मैं घूम रही थी ना, मुझे खुद भी हंसी आ रही थी खुद पे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, चलो चलते हैं, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, क्लोज हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।